हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद आज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज धनतेरस है और कल मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा यहाँ का वीडियो दिखा दूँ आपको कि हल्द्वानी में कैसे सेलिब्रेट करते हैं लोग, मतलब कैसे डेकोरेट करते हैं। पूरा मार्केट काफ़ी अच्छा सजा हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा वो दिखा लूँगा आपको और उसके बाद फिर मैं अपने घर जाऊंगा। तो मॉर्निंग में फिर उसका ब्लॉग दिखा दूंगा। तो बाकी आप देखिए आपको कैसा लगता है ब्लॉग। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ हल्द्वानी का क्या माहौल है अभी, मतलब कैसा लग रहा है, कैसा कितना सुंदर लग रहा है हल्द्वानी। तो अभी आप देखिए, मिलते हैं। तो गाइज़ मैं ATM में पहुँच चुका हूँ, थोड़े पैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। मतलब थोड़ा बहुत आइटम लेना है तो वो ले लेंगे। बाकी आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, मैंने कहा चलो बना लेता हूँ क्योंकि फेस्टिवल है, अच्छा है, हम मनाते हैं इसको काफ़ी धूमधाम से। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मना लिया जाए ब्लॉग एक। ये देख लो क्या नज़ारा है दीपावली से एक दिन पहले का। अभी मैं वी मार्ट में भी गया था तो मैं चॉकलेट लेके आ गया हूँ यहाँ से। ये रहा चॉकलेट्स, बाय वन गेट वन फ्री था। तो बाकी देखो क्या नज़ारा है, एक दिन पहले का है। शॉपिंग वॉपिंग चल रही है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है काफ़ी। तो मैंने भी ले चुका है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको मैंने क्या क्या लिया है घर के लिए। और बाकी मेरे को कल मॉर्निंग में निकलना है घर को, तो मैं 6 बजे निकल जाऊँगा घर को क्योंकि 8-9 घंटे का रास्ता है, तो सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। बाकी देखो आप, मतलब अभी 10 बज चुके हैं और अभी भी भीड़ भाड़ चल रही है काफ़ी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मुखानी चौराहा है लाल बत्ती। तो ये देखो यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है। तो ये काफ़ी, मतलब कम से कम 5-6 दिन हो गए तब से इनने ये डेकोरेट किया हुआ है। तो मतलब काफ़ी टाइम पहले से इनने अपना इतना अच्छा डेकोरेट किया है। कितना सुंदर लग रहा है, देखो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जो यहाँ के पेड़ हैं कुसुम खेड़ा वाले, ये तो और अच्छे लगते हैं। मतलब देखो मेरे घर के बाहर पे कितना प्यारा सजावट की इनने, मस्त लग रहा है ना, प्यारा लग रहा है बहुत बाहर से, तो और अच्छा लग रहा है। तो पहुंच गया हूँ रूम पे, काफ़ी रात हो गई है। तो एक लाइट तो मैं ये लाया हूँ, ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ। एक ही लाइट है, इसको मैं जला के दिखाता हूँ कैसे चलती है। ये मतलब इसमें चेंज कर सकते हैं हम लाइट को ना, इससे ये मस्त है ना। तो एक ये है, एक ही लाया हूँ। ये मेरी बहन को अच्छा लगा, मैंने वीडियो कॉल में दिखाया। तो एक ये है, मतलब प्यारा सा है यार, बहुत प्यारा सा है, आपको भी शायद अच्छा लगेगा जब इसको लगाएंगे ना, तब बहुत सुंदर लगेगा, बहुत प्यारा लग रहा है यार, वाह। रुको हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो अभी जब मैं घर में लगाऊंगा इसको, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वाह कितना सुंदर है ये। ठीक है, ये हो गया। एक और है मेरे पास, ये वाला। तो ये देखो कैसा है, ये मस्त है ना। ये भी फ्लावर्स वाला है, इसमें फूल, मतलब फूल येलो कलर का फूल है और उसमें लाइटिंग लगी हुई है, तो अच्छा लग रहा है। बाकी मैं एयर का ये लाया हूँ पापा की कार के लिए और एक अपने बेडरूम के लिए। और ये बिस्किट लाया हूँ, इसमें 50% ऑफ था, ये लाया हूँ। और ये चॉकलेट लाया हूँ नेस्ले की, ये भी अच्छी होती है। और ये लाया, तो ये था बाय वन गेट वन फ्री, तो इसके साथ ही फ्री है दूसरा पैकेट। ये है ओट्स, ये है बादाम और ये है काजू, बस इतना सा सामान है। और थोड़ा सेव लाया हूँ, ये है इसके अंदर सेव है बस, बाकी यही है। और मेरे को पैकिंग करनी है, इस डब्बे में पैक करूँगा सामान और बस कपड़े रखूँगा अपने। और कल चले जाऊँगा मैं अपने घर सुबह जल्दी उठ के, तो मैं आपको दिखाऊँगा कल का क्या होता है प्रोग्राम। ओके तो मिलते हैं। तो मैंने सारी पैकिंग कर ली है और मैंने अपने ऑफिस का काम भी कर लिया पूरा, मतलब मैं बैठा था और अभी मतलब इतना ठंडा हो रहा है ना, मतलब मैंने फ़ैन भी चलाया है मैंने, लेकिन कंबल भी ओढ़ा हुआ है और मैंने ये कंबल निकाल दिया है अपना ओढ़ने के लिए। तो मतलब
मौसम ये थोड़ा ऐसा चल रहा है कि ठंडा भी हो रहा है और फिर हमको पंखा भी ऑन करना है, तो मतलब बड़ा अच्छा मौसम है ये, लाइक मतलब मज़ा आता है इस मौसम में। और लेकिन इस मौसम में काफ़ी लोग बीमार भी हो जाते हैं, मतलब मैं भी हो जाता हूँ, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा तो पंखा मतलब अच्छा लगता है, ओढ़ लो पूरा और पंखे के नीचे सो जाओ, मतलब मज़ा आता है। तो बाकी अब मैं सो जाऊंगा, मेरे को नींद आ रही है। बाकी कल सुबह जल्दी उठना है और मैं स्कूटी से जा रहा हूँ अपने घर, तो 9 घंटे का रास्ता है तो टाइम लगेगा पहुँचने में, तो आराम से जाएंगे, रुक रुक के जाऊँगा और आपको सारा व्यू दिखाऊँगा मैं, जो भी मतलब रास्ते में पड़ेगा आपको, मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर। तो मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए, क्योंकि मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नेचर को देखना, पहाड़, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं पहाड़ जा रहा हूँ तो अच्छा लगेगा, मतलब पहाड़ देखना ये सब। तो काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ मैं अपने घर, 6-7 महीने हो गए हैं। तो मिलते हैं कल सुबह। ओके, गुड नाइट, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो 6 बज गए हैं और हल्की हल्की धूप सी आ गई है, तो अब मैं तैयार होता हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस, सारी पैकिंग हो गई है मेरी, बैग पैक हो गया है, ये पैक हो गया है, और मैंने ग्लव्स निकाल लिए हैं, और ये मेरा हेड कान में पहनने का, सर में पहनने के लिए, और चार्जर वार्जर हो गया, हेलमेट तैयार हो गया है, जैकेट तैयार हो गई है। तो अब मैं चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं आपको आगे का व्यू। ओके, तो गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ और अब स्कूटी भी तैयार हो गई है मेरी। तो सामान थोड़ा ज़्यादा है और देखते हैं, चलते हैं, मज़ा आएगा ट्रैवलिंग में, टूर में। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ, अभी मंदिर के पास आया हूँ, मंदिर है, और अभी धूप आ गई है, 8 बज गए हैं और मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, 1 घंटा लेट हो गया हूँ, तो अभी दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम रानी बाग, तो मैं तो अकेला चल रहा हूँ, कोई है नहीं, तो वीडियो में हल्की फुल्की बना पाऊँगा, कोई अच्छे से नहीं बना पाऊँगा, इतना ट्राई करूँगा कि अच्छा अच्छा व्यू दिखा दूँ मैं आपको। तो बाकी तो यही है, मेन है व्यू, मतलब क्योंकि मुझे भी जो अच्छा लगेगा वो मैं आपको दिखाऊँगा, ज़्यादा तो नहीं दिखा सकता क्योंकि फिर लेट भी हो जाएगा ना, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है, तो ऐसे दिखा पाऊंगा। तो आप मजे लो नेचर के। तो गाइस मैं भीमताल पहुंच चुका हूं, तो मैं अभी दिखाता हूं आपको बैक कैमरे से यहां कैसा लोकेशन है, क्या लग रहा है, मतलब धूप खिली हुई है बिल्कुल, मुझे बोलना कुछ नहीं आता, बस मैं आप लोगों को सिर्फ व्यू दिखाऊंगा, कहां कैसा व्यू है बस, और कुछ नहीं, बस आपसे व्यू दे सकते हो मेरे से, मेरे थ्रू, और कुछ होगा नहीं ज़्यादा, क्या बोलना है मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बस आप देख लो व्यू। सब लोग रुक के फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है, पता नहीं किसकी बाइक है, मैं काफ़ी टाइम देख लिया, निंजा, काफ़ी महंगी गाड़ी है और ऐसे पड़ी हुई है, गंदी हुई है, ये यहीं पर रहती है और इतनी गंदी रहती है हमेशा ही, पता नहीं क्या सीन है इसका, लेकिन देखो क्या प्यारा सा नज़ारा लग रहा है। तो मैं भीमताल पहुंच चुका हूं अभी, और यहां का एक इतना प्यारा लोकेशन लगता है ना मेरे को, ये वाला पूरा पहाड़ी फील आता है इसमें, ये देखो आप, मतलब बिल्कुल ऐसे बनाया हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है। तो गाइस मैं भीमताल के यहां पर रुक गया हूं। अंकल पराठे हैं? हैं? मिल जाएंगे ना पराठे, खिला दो फिर, बना दो, एक तो बना दो, अभी दो बना देना। तो अभी ये थोड़ा हल्का भीमताल से ऊपर को आया हूँ मैं, तो यहाँ मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा, यहाँ से आ रहा था मैं, मैंने कहा चलो थोड़ा देखते हुए चलता हूँ, भूख भी लगी थी काफ़ी, तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये ग्राफिक कह रहा है, यहाँ एक मेरी बहन भी पढ़ती है नाम की बहन, मतलब नहीं रखती मुझसे ज़्यादा तो ये है व्यू, कितना प्यारा व्यू है, बस मैं ज़्यादा आपको व्यू ही दिखाऊँगा, बातें कम होंगी और मैं कुछ खा लूँगा यहाँ, अभी मैं यहाँ जाके दिखाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ, मेरे को लग रहा है यहाँ से कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि टॉप से तो और अच्छा लगेगा ना।
ये देखो, वाह यार क्या मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं आप लोगों को? मतलब इसका जो ग्राफिक एरा है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है और काफ़ी सारी ब्रांचेस खुल चुकी हैं इसकी, तो हर जगह ग्राफिक एरा तो सही है, डेवलप हो रहा है। तो यही है लोकेशन यहाँ की भीमताल की। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर चलूँगा फटाफट से, और टाइम काफ़ी हो चुका है, 10 बज गया है मेरे को, यहाँ काफ़ी टाइम लग गया आते आते, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये थोड़ी टफ है, बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा लग रहा है, घर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, मस्त। तो मैं यहीं बैठूंगा, दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये रेट लिस्ट है यहाँ की, सारे रेट लिखे हुए हैं। खाली बैठना समय व सुरक्षा दोनों को खतरे का संकेत है, खाली बैठना समय व सुरक्षा। अच्छा, ये बड़ा सही लिखा है आपने, ये बड़ा सही लिखा है आपने। कोरोना काल में लिखा था ना मेरा। अच्छा, है समय सुरक्षा दोनों को खतरा तो ठहरा ही, नहीं नहीं सही, समय की बर्बादी आपकी हो रही है। हाँ। और लोगों के संपर्क में आओगे तो कोरोना होगा। सही बात, सही बात। अच्छा, काफी अलग लिखा है, सही लिखा है, उस टाइम के लिए परफेक्ट है। और वैसे भी नहीं नहीं रियल लाइफ में मैं ना ये चीज भी बिल्कुल सही है, अगर खाली बैठ रहे हो, मतलब खाली बैठ रहे हो तो तुम्हारा समय का बर्बाद है ही, मतलब कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। उड़ता हुआ बाज बैठा रह जाता है और चींटी अपनी मंजिल पे पहुंच। सही बात है, अगर बाज बैठ गया उड़े नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, सही बात है। और चींटी अगर चलते रहेगी तो उसको जहाँ जाना वहाँ पहुँच जाएगी। हाँ भाई, उसका सफर चाहे कितना ही छोटा हो ना बेटा। सही बात, गलत कर रहा हूँ? हाँ नहीं नहीं, परफेक्ट। ये तो लाइफ लेसन है, मतलब परफेक्ट लिखा हुआ है आपने, ये मतलब जिंदगी के मतलब लास्ट मोड तक ये काम आएगा, मतलब अगर आप बैठे हो तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं। हाँ कुछ, मतलब लाइफ कुछ होगी नहीं, भाग दौड़ना बहुत जरूरी है लाइफ में ना, काम करना, अर्निंग करना, थोड़ा नाम कमाना, सही बात। हाँ बैठा इंसान खत्म हो जाता है, खत्म है, सही बात है। हाँ दिमाग में गंदी चीजें हैं, उल्टी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल। कहते थे शैतान का घर खाली, इंसान शैतान। हाँ बढ़िया अंकल जी, अच्छा बनाया आपने। मेरा तो ये मैं सभी से कहता हूँ, नहीं बिल्कुल सही अंकल, सही। एक दिन एक बच्चा का, मेरा बच्चा कहने लगा वो कहीं काम में जा रहा था, बारिश हो गई। हाँ तो मैंने कहा दुनिया रुक गई क्या? सही बात। अंकल हम तो बारिश में स्कूटी में काम करते हैं, रेनकोट पहन के काम करते हैं, जाते हैं, क्योंकि फिर पैसा वहीं से आएगा, खर्चे हैं बहुत सारे, खर्चे हैं अपने, शौक पूरे होने हैं, काफी चीजें हैं, तो देखना पड़ता है। सही है, अच्छा लिखा अंकल, अच्छा बहुत अच्छा। तो यार अंकल से मिलके तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी थी और थोड़ा उनने भी बताया, तो आपको भी थोड़ा कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करना है। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा जो अंकल ने लिखा था, और वो मतलब सबको अपने लाइफ में उसको अडॉप्ट करना चाहिए कि कुछ ना कुछ करो, मतलब लाइफ में ना बैठे मत रहो, सोए मत रहो, मतलब लेजीनेस नहीं होना चाहिए लाइफ में ना, सब हो, मतलब होता सब में है लेजीनेस, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, कुछ आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, या फिर यार पैसा कमाओगे तो तभी आगे बढ़ सकते हो ना, क्योंकि घूमना है, अपने शौक़ पूरे करने हैं, तो माँ बाप के पैसों से तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा और अर्निंग करनी पड़ेगी, और ऐसे घूमोगे मेरी तरह और सही है, मतलब करना चाहिए, मतलब मैं ऐसे किसी को वो नहीं बोल रहा, लेकिन अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ काम करो और दुनिया देखो, दुनिया बहुत सुंदर है। तो ये अंकल जी ने बना दिए प्यारे से पराठे, और इतनी प्यारी लोकेशन पे पराठे खाना तो अलग ही मज़ा है। खाया कभी? नहीं अंकल, गांव की परफेक्ट होती ज़िंदगी, मतलब सबसे बेस्ट ज़िंदगी हुई, लेकिन मेन दिक्कत हुआ ना हॉस्पिटलिटी और एजुकेशन ही है मेन, उस वजह से लोग बाहर आ रहे हैं। मेरी नाक में तो मुझे गांव का ठीक है। नहीं, बेनाक में ठीक है,
स्कूलिंग भी अच्छी होने लग गई है, लेकिन हॉस्पिटल का मेन चक्कर है, क्योंकि रेफर उनको यहीं करना पड़ता है ना, और फिर प्राइवेट में जाता है, सरकारी में तो कोई जाता नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है या हाँ पिथौरागढ़ में नहीं हो पाता। एजुकेशन ज़रूर सही हो गई है, लेकिन एजुकेशन भी देखो ना, गवर्नमेंट ने क्या ठीक करी, गवर्नमेंट ने कुछ ठीक नहीं करी है। एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर पे अच्छी है, गवर्नमेंट अभी भी ख़त्म ही है ना। हाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर सुशीला तिवारी में भी आप लाते हो, मेरे ख्याल से मैं ये सोचता हूँ, वहाँ भी ठीक नहीं होता रेफर, वो कृष्णा या फिर प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। हाँ ये है तो भाई, ये है वो रेस्टोरेंट, ठीक है, हिमानी रेस्टोरेंट है, तो आओ तो कभी यहाँ खा लो, व्यू मैंने आपको दिखाई दिया है बैकग्राउंड से पीछे। तो दोस्तों ये भवाली है, भवाली पहुँच चुका हूँ मैं, ये भवाली का मार्केट है, तो यहाँ भी जोर दौड़ से दीपावली की तैयारी चल रही है, कल है दीपावली, काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर एक मंदिर भी है। ये देखो ये देवी मंदिर भवाली, तो ये यहाँ का मेन मार्केट है, काफ़ी क्राउड रहता है यहाँ और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है, तो आप लोग देख लो भवाली का मार्केट, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैं कैची धाम पहुँचने वाला हूँ, तो यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर है बचा है कैची धाम, तो उससे पहले यहाँ पर पानी का झरना देख रहे हो, झरना तो नहीं हम इसे गाढ़ कहते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज में इसको गाढ़ कहा जाता है, तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी गाड़ी वाड़ी जा रही है, मैं तो रुकने का सोच रहा था लेकिन लेट हो जाऊंगा, तो मैं आपको मैं कैसे दिखा दे रहा हूँ, देखो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। अभी हम पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में कैची धाम, तो फिर मैं आपको निर्मल बाबा के दर्शन करवाता हूँ, ठीक है, ओके बाय। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ नीम करोली बाबा कैची धाम में, तो आप दर्शन कर लो इनके, मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, देखो कितना सुंदर है, काफ़ी मान्यता है इनकी, बाहर बाहर से लोग आते हैं मिलने के लिए निर्मल बाबा के दरबार में, देखो यहाँ का भीड़ कितनी भीड़ लगी है यहाँ, तो ये रहता है यहाँ पूरा क्राउड रहता है ख़तरनाक वाला, तो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ अभी। तो अभी मैं गर्म पानी में पहुंच गया हूं, देखो कितना प्यारा सा व्यू है, अभी हम पहुंच गए गर्म पानी में, तो यहां बहुत मतलब टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी भीड़ हो रही है यहां, मतलब यहाँ का व्यू इतना तगड़ा है ना, और यहाँ पानी लोग नहाने आते हैं नीचे, तो बहुत बढ़िया जगह है, आप आ सकते हो यहाँ, काफ़ी मतलब अच्छा है, और इतना ब्लू हो रहा है बिल्कुल पानी का कलर, पूरा ब्लू हो रहा है बिल्कुल नीला सा एकदम, इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत साफ पानी है। यहाँ पर एक मंदिर भी है, मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ, ये रहा मंदिर, जय श्री राम, राम मंदिर है। देख रहे हो कितना साफ पानी है, ये खैरमा मार्केट है, और दिखा देते हैं आपको खैरमा में आज कितना क्राउड है, ये सारी तैयारी दिवाली की वजह से हो रही है, कल दीपावली है इसलिए ये इतनी ज़्यादा भीड़ है, देखो हर जगह दुकान सजी हुई है, मतलब सबका अच्छा बिजनेस चल रहा है अभी,
और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है एक बंदा रोता साथ में तो अच्छी तरह वीडियो शूट हो जाती। ऐसे तो देख रहे हो मतलब खतरनाक भीड़ हो रही है यार, खतरनाक ही भीड़ हो रही है। बहुत डेंजरस इलाका है, डेंजर एरिया, डेंजर जोन। वाओ मैं तो इसको मतलब ऐसा मन कर रहा है कि यहीं बैठ जाऊं, कितना प्यारा लग रहा है। डेंजर एरिया है लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। ये देखो पहाड़ बिल्कुल सर के ऊपर में है, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। देखो ना इसका फ्लो है जो मतलब इसको मन कर रहा है कि यहीं पर बैठ जाओ थोड़ी देर और देखते रहो इसको बिल्कुल ना, दोस्तों और बातें हों। और ये कितना अच्छा यार, मतलब मज़ा आ गया। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर ये है और यहीं पर गांव है, तो गांव में दिखाता हूँ आपको। काफ़ी दूर है, ऐसा लग रहा है जैसे पास में लेकिन बहुत दूर है। और पुराने टाइम तो कहाँ कहाँ हुआ करते थे यार बहुत, अब तो रोड आ गई है। देखो ये ऊपर ऊपर देखो रोड आ गई है, पहले तो कहीं बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। लेकिन ये लोकेशन बहुत प्यारी लग रही है, सिनेमैटिक। और ये मेरे ऊपर बिल्कुल पहाड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे सीधे मेरे ऊपर ही आएगा। देख रहे हो सबसे गंदा एरिया है, मतलब इतनी धूल धक्कड़ होती है और इतने गंदा रास्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा रास्ता है। खैर ना से आगे पड़ता है ये, देखो ये अभी यहीं पर है, इसी के आगे देख रहे हो पूरा एरिया इतना गंदा हो रहा है कि पूरा धूल से पूरा जाने जैसा नहीं हो रहा। तो ये बहुत गंदा रास्ता है। ये देखो यहाँ जब बारिश हुई थी तो ये हो गया था पूरा, तो अभी भी कितना रिस्की है ये, कभी भी आ सकता है नीचे। देखो ना थोड़ा जगह बची हुई है बस, ये हाल है। तो मतलब रिस्की है, काफ़ी रिस्की है पहाड़ में ट्रैवल करना, तो ध्यान से देखते हुए चलना चाहिए यहाँ। और रोड में कम से कम अभी मैं आधा आधा पौना घंटा मैं चल चुका हूँ, लेकिन अभी तक ये रोड ठीक नहीं हुई, ये बेकारी रोड है। तो इतना धूल धक्कड़ हो रहा है इसमें, इतनी दिक्कत हो रही है चलाने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। शायद अब थोड़ी देर आने वाला है, वहाँ से अच्छा रास्ता आएगा फिर कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। तो एरिया बेकार है सर, आओ। इतना गंदा रास्ता था वो, मतलब सीरियसली वो भैया जो हैं वो इतने परेशान हो गए ना, पूरे पाउडर मतलब ऐसा हो गया, पूरा वाइट हो गए हैं पूरे, मैं भी खुद पूरा वाइट हो गया हूँ, ये मतलब पूरा सफ़ेद हो गया है, ऐसी धूल आ रही ना इससे। और देखो मेरा बैग वैग सब ख़राब हो गया है, वाइट हो गया पूरा, ये देखो पूरा वाइट हो गया। इतनी गंदी रोड है, इतना गंदा धूल है वहाँ, बाप रे। अब जाके अच्छी रोड आई है, अब यहाँ से अच्छी रोड है। यहाँ पर एक मंदिर है वो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो देखो अब अच्छी रोड आई है, काफ़ी टाइम बाद। यहाँ से अल्मोड़ा 13 किलोमीटर दूर है बस, तो मैं मुश्किल से 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा अल्मोड़ा, और फिर वहाँ से मेरे को 3-4 घंटे और लगेंगे। तो अभी एक मंदिर आएगा शानदार सा, मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो ना रोड कितनी प्यारी है, मतलब लोकेशन जो ये पहाड़ हैं इतना अट्रैक्ट करते हैं मेरे को, तो मतलब सही में मैं पागल हो जाता हूँ देख के, मतलब इतना अच्छा लगने लगता है ना। ये आ गया है मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। जय कौन से हनुमान जी की जय। ये हनुमान जी का मंदिर है, इसे हनुमान गढ़ी कहते हैं चौसली। तो ये है जय हो कौन से हनुमान जी की जय। तो ये है गाइस अल्मोड़ा, देखो आप लोग। ऊपर तो पूरी मार्केट बंद थी इसलिए मैंने दिखाया नहीं, यहीं थोड़ा क्राउड है तो इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, ये देखो घर, देखो यहाँ कितने कंजेस्टेड बने हुए। तो गाइज अभी ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को, मैं इस ऊपर ऊपर इस वाली जगह में जाके आपको अल्मोड़ा का व्यू दिखाऊंगा ऊपर से कैसा दिखता है, और तो कुछ है नहीं। ये देखो झरना, गाड़ी धो सकते हो आप अपनी यहाँ। अरे कैमरा पकड़ना भारी पड़ रहा है,
देखो यहाँ से हल्का फुल्का दिख रहा है, अभी ऊपर से बहुत अच्छा दिखेगा प्यारा सा। तो गाइज बाकी मैंने दिखा दिया आपको और बस इतना ही सही है और कुछ है नहीं देखने को, बस सिर्फ मैं व्यू दिखाई जा रहा हूँ और कुछ बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन काफ़ी लंबा सफ़र है ना, तो इस वजह से मैं कुछ और चीज़ कर नहीं सकता और क्योंकि लेट भी काफ़ी हो रहा है, अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो बाकी दिखाऊंगा, जहाँ कुछ अच्छा लगेगा वो दिखा दूंगा। ओके हेलो गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, काफ़ी टाइम बाद 6 महीने बाद मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा फील हो रहा है और इतना अच्छा रास्ता है, पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, मतलब आय हाय मज़ा आ जाता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा। मुझको जुदा कर दिया, मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मिला है सांस, दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। लोग पिकनिक मनाने भी आए हुए हैं, पर दिख रहे होंगे आपको लोग, तो काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है, आप लोग भी एंजॉय करिए। काफ़ी चौड़ी रोड है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे मतलब कोई और मत करना ये सब, मेरे को एक्सपीरियंस है थोड़ा। डांट तो मैं भी खाऊंगा ये वीडियो डालने के बाद, डांट मैं भी खाऊंगा, लेकिन एक्सपीरियंस है यार, चौड़ी रोड है इसलिए मैं चला रहा हूँ हल्का हल्का आराम आराम से, नहीं तो मैं नहीं चलाता सीरियसली। तो सब लोग सेफ रहो, अच्छे से जाओ और इन्जॉय करो यार, हैप्पी धनतेरस सभी को। धनतेरस कल हो गया वैसे, आज छोटी दीपावली है, कल है बड़ी दीपावली, तो हैप्पी दीपावली टू यू ऑल, बाय। हालत ख़राब हो गई है, हेलमेट पहना था इसलिए। अब चलते हैं, 6 तो बज जाने हैं आज घर पहुँचते पहुँचते, बहुत लंबा सफर है। तो मिलते हैं गाइस, देख रहे हो पहाड़ों के रास्ते कितनी दिक्कतें होती है पहाड़ों में, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये जो गांव है लग रहा है ना सुंदर एकदम, देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइज मैं अभी सेराघाट से आगे थोड़ा सा आगे पहुंच गया हूं, तो यहां इतना मस्त लोकेशन है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो मतलब मेरे इस साइड भी पहाड़ है, ये पीछे भी पहाड़ है, ये देखो सामने भी पहाड़ है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, इस साइड नदी है पूरी, मैं भी आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। देखो ये तो पहाड़ है सामने, ठीक है, ये नीचे नदी बह रही है और ये देखो ये पूरे पत्थर की चट्टान है, जस्ट ऊपर है मेरे, ये देख रहे हो मतलब पूरी पत्थर की चट्टान है, इतनी खतरनाक लग रही है ना, मतलब ये डेंजरस एरिया है, ये देखो मतलब यार खतरनाक, मतलब कैसी बनी होगी ये रोड, मेरे को तो मतलब वो होता है कि यार। और ये पहले रोड पता है हाथों से बनती थी, ऐसा नहीं कि मशीन चलती थी, ऐसा कुछ नहीं होता था, मशीनें तो पहले थी नहीं, तो ये हाथों से कारतूस फोड़ के ऐसे बनाए जाते थे, ये देखो ना ये पत्थर की चट्टान है पूरी, तो कितना टाइम लगा होगा उन लोगों को तोड़ने में इन चीज़ों को, पत्थर वत्थर को तोड़ने में, फिर उन्होंने रोड बनाई। तो यार पुराने टाइम के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते थे, देखो ना यार। तो चलो थोड़ा सा दिखा दूँ आपको गांव की ज़िंदगी, गांव की भाग दौड़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये देखो कितना, ये मतलब गांव ना बहुत प्यारा है कि गांव है, काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी अच्छा, मतलब देख रहे हो ये घास वास ले जा रहे हैं बिल्कुल, और तो यहाँ तो ये सब काम वाम रहता है, काफ़ी काम रहता है यहाँ। पहाड़ पहाड़ का मतलब अलग ही मज़ा है यार, देखो ना कितना सुंदर दिख रहा है ये घर, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर, मतलब क्या ही होता है यार, अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा है यहाँ। प्लेन साइड में, हल्द्वानी साइड में ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है,
अभी देखो क्या प्यारा लग रहा है, देखो ना एनी अल्टीमेट। और टाइम देखो क्या हो गया है, 4:30 हो गया। मैं वही 5:30 बजे तक पहुंचूंगा घर में। मेरे को पूरे 8 बजे से 5:30 बजे तक पहुंचूंगा। अब लगा लो कितने घंटे हो गए हैं कमेंट बॉक्स में बताओ। गिनती जिसको सही आती है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो और कमेंट करो कि कितने घंटे में पहुंचूंगा मैं घर। और ये देखो यहाँ ऊपर मंदिर है, जय हो प्रभु। यहाँ ये इस मंदिर जो ऊपर मंदिर है इसमें वो करते हैं जो धूप होता है उसका जो चुटिया बनाते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ, मतलब कुछ प्रथा है ऐसी। तो अब मैं जा रहा हूँ, अब मुश्किल से शायद 20-25 किलोमीटर बचा है। तो मैं थोड़ा सा आगे आया, यहाँ बहुत ठंडा है यार सही में, मतलब मेरे को जुकाम ऐसा लग रहा है जुकाम होने वाला है। और आपको शायद कुछ आवाज़ आ रही होगी पानी की, तो ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये पूरा पानी है, इतना मस्त लग रहा है। अभी बैक कैमरे से दिखाता हूँ, बिल्कुल साफ पानी है, पूरा साफ। ये देखो नीला, चिड़िया नहा रही हैं, छोटी छोटी चिड़िया तैर रही हैं उसमें। चिपकाना फ्री पड़ेगा ये, ऐसी दीवार में सही लगेगा। लेकिन फिर कैसे लगेगा दीवार, तो ये पता मुझे कैसे लगा रहा है, तूने देखा है क्या? लोग अपने उसमें लगाते हैं ऐसे ऐसे करके, देखा है तूने? पता नहीं, एक लंबा एक छोटा, तो सुंदर है ये, बस लग रहे ना बहुत। ये तीसरा आदमी लगाना अब यहाँ, ये ठीक नहीं ठहरा दीवार में, इसलिए बोल रहा हूँ लगाने के लिए। बम जैसे है और बम है, बम यहीं पर रखा है यहाँ पर, मत रखो फेंको नीचे ये तो हिला देगा। हाँ तभी तो कह रहा हूँ हिला देगा ये, हाँ फेंको। हो गया। हेलो गाइस, तो मैं काफ़ी लेट पहुँचा, 6 बजे पहुँचा मैं, काफ़ी थक गया था, खाना वाना खाया और सबसे मिला और अब सोने का टाइम हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आई, अगर लोकेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।